अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बड़ा इंजॉय किया और स्पेशली पिछले वीक बहुत मैंने जो है वो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें खाई हैं। कल हलवा पूरी भी खा लिया और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा जो है ना हेल्दी चीज़ें भी खानी चाहिए। और मैं आज जो है एक हेल्दी रेसिपी, ये न्यूट्रीलाइफ का सीरियल है, ये बहुत ही यमी और अमेजिंग सीरियल है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और हम रेसिपी बनाते हैं। मेरे लिए तो ये एक नाइट स्नैक भी है, तो मैंने तो इसे बड़ा इन्जॉय किया। तो चलिए इसको बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसे किस तरह बना सकते हैं। आपको बताती हूँ कि ये इस सीरियल की खासियत क्या है। ये देखिए जी, कोई आम सीरियल नहीं है जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होता है, ये ग्रेनोला सीरियल है और इसके अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त हेल्दी इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। मैं आपको बताती हूँ जी इसमें क्या क्या है। इसमें होल ग्रेन रोल्ड ओट्स हैं और ड्राइड क्रैनबेरीज हैं और इसमें हनी है, आमंड्स हैं और इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि ड्राइड स्ट्रॉबेरीज भी नहीं है बल्कि एक ख़ास प्रोसीजर्स के साथ फ्रीज करके इसको ड्राई किया गया है जो ख़राब नहीं होती। ज़बरदस्त भाई। और इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ है, हनी है, आमंड्स हैं और नट्स हैं। और इसको आप एज अ सीरियल योगर्ट के अंदर और मिल्क के अंदर, या मैं तो इसको खाली भी खा लेती हूँ, बड़ा मज़ेदार लगता है। तो मैं आपको बनाती हूँ, इसको बताती हूँ कि इसके अंदर ये देखें जी, लो कह रहे ये देखें कितनी सारी इसके अंदर क्रैनबेरीज और स्ट्रॉबेरीज डली हुई हैं। यार ये तो फ्रूट से भरा हुआ, ज़बरदस्त, अमेजिंग। अब हम इसके अंदर अपनी जो है ना चॉइस की भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मुझे जैसे सेब चाहिए एंड ये डेसिकेटेड कोकोनट है और आमंड्स तो इसमें डले ही हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। मुझे फिक्स पसंद है, मैं इसमें थोड़ी सी फिक्स भी ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये तो इतना ज़बरदस्त पूरे दिन के लिए मेरे जो है ना ये मेरा मील बन जाएगा। ये मैंने योगर्ट लिया है, इसके अंदर हम सीरियल ऐड करते हैं, ठीक है। एप्पल्स, ये फिग्स हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत कुछ डला हुआ है बट आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये डेसिकेटेड कोकोनट, ये सब आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी डाल दें इसमें। अच्छा, चिया सीड्स अगर अवेलेबल हैं तो आप वो डाल दें, वरना आप इसके अंदर तुक मलंगा भी ऐड कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल। बनानास नहीं है, नहीं तो मैं बनानास भी इसमें ऐड कर देती, बट इट्स रियली वेरी हेल्दी, यमी एंड डिलीशियस। चले जी, अब मैं इसको खाना शुरू करती हूँ। एक चीज मैं ऐड करना भूल गई थी, लेकिन इसमें ऑलरेडी एडेड है, लेकिन ऊपर से स्प्रिंकल करके हनी खाने का जो मज़ा है ना, वो तो कुछ और ही है, वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है आपको। ये देखें जी, यार मज़ा आ गया, डिलिशियस। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इट्स रियली वेरी हेल्दी, नरिशिंग। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो और आज की रेसिपी? मुझे तो बड़ा मज़ा आया एंड थैंक यू सो मच न्यूट्रीलाइफ फॉर कमिंग अप विद सच एन अमेजिंग न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात ही हमारी लोकल प्रोडक्ट है, सो गो लोकल एंड सपोर्ट लोकल।